हाँ, इंडिया इस तरह की गाड़ियां बना रहा है, क्या कहेंगे अगर वो इस तरह की गाड़ियां लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने ही मुल्क में अपने ब्रांड से, क्या पाकिस्तान में भी इस तरह की गाड़ी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे टाटा वालों ने जब नैनो अपनी लॉन्च की थी और उनका जो व्यू था उसके पीछे वो बहुत पसंद आया था, तो मुझे लगता है पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। कैसी पिक पकड़ी है भाई, थार तबाही है भाई, थार तबाही है, और स्पीड इसकी क्या अलग ही तबाही है यार। महिंद्रा की दो गाड़ियां मैं उनका दीवाना हूँ, एक स्कॉर्पियो और थार। यार ये बात मैं इनके पीछे मरता हूँ, काश ये पाकिस्तान में होती ना, मैं आपको बता नहीं सकता ये मैंने ली हुई होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ सिर्फ टाटा ही नहीं, वहाँ महिंद्रा भी है, मारुति सुजुकी भी है, और काफी ब्रांड है, तकरीबन 40 के राउंड अबाउट है, और पाकिस्तान में अपना कोई लोकल ब्रांड नहीं है। बिल्कुल आपका यार वो तो खुशकिस्मत है, ये गाड़ी 14 लाख रुपए में इतनी महंगी गाड़ी में बैठे हैं वो। इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी गाड़ी है? पाकिस्तान के अंदर जो गधा गाड़ी मिल सकती है इतना उनका क्या जॉय का लेवल होगा और क्या हैप्पीनेस होगी उनकी? इंडिया का जॉय का लेवल बड़ा अच्छा होगा, तो मैं तो महिंद्रा वालों से कहूंगा कि जी मेरा वीजा लगवाएं, मैं वहाँ पे आके मैं आपका कस्टमर। मैं आप लोगों से गाइस मैंने एक चीज पूछनी है, जिमी और ये जो है प्राइस थार, इनके प्राइस में क्या डिफरेंस है? कमेंट में लाजमी बताना, और आपके लिहाज से कौन सी फास्ट है? देखो यार ड्राइवर पे, लेकिन इन्होंने ड्राइवर भी चेंज किया, थार भाई थार फिर भी जीत रही है। अपना बहुत बता गाइस, ख्याल रखिएगा। तो यार जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी लोग आने वाली महिंद्रा थार की लीक फोटो और वीडियो देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुके हैं, और उनका यहां पर कहना है कि ऐसी कारें हमें सपनों में भी नसीब नहीं होती। हाँ, इंडिया इस तरह की गाड़ियां बना रहा है, क्या कहेंगे अगर वो इस तरह की गाड़ियां लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने ही मुल्क में अपने ब्रांड से, क्या पाकिस्तान में भी इस तरह की गाड़ी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे टाटा वालों ने जब नैनो अपनी लॉन्च की थी और उनका जो व्यू था उसके पीछे वो बहुत पसंद आया था, तो मुझे लगता है पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ सिर्फ टाटा ही नहीं, वहाँ महिंद्रा भी है, मारुति सुजुकी भी है, और काफी ब्रांड्स है, तकरीबन 40 के राउंड अबाउट है, और पाकिस्तान में अपना कोई लोकल ब्रांड नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये होना चाहिए। चाहती हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का ब्रांड कब तक हो? जल्दी से हो, जितनी जल्दी हो सकती है। चलें लास्ट में, दरअसल भारतीय ऑटोमोबाइल मेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से आज से कुछ समय पहले यह अनाउंस किया गया था कि वह अपनी महिंद्रा थार को ऑफ रोडिंग से एक फैमिली कार में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि वह महिंद्रा थार का एक और नया अपडेटेड वर्जन लेकर आएंगे, जिसमें महिंद्रा थार ऑफ रोडिंग कार के साथ साथ फैमिली कार का भी काम करेगी। अब मौजूदा समय में महिंद्रा थार को सबसे ज्यादा ऑफ रोडिंग के लिए खरीदा जाता है, और अगर हम फैमिली कार के तौर पर देखें तो इस मामले में महिंद्रा थार बहुत ही ज्यादा पीछे है, और का सबसे बड़ा कारण यह है कि मौजूदा समय में जो महिंद्रा थार आती है उसमें टोटल 3 दरवाजे होते हैं, जिनमें से बाकी लोगों को बैठने के लिए केवल एक ही दरवाजा काम में आता है, तो इस दरवाजे की समस्या की वजह से लोगों को बहुत ही ज्यादा समस्या होती है, और इसीलिए वो महिंद्रा थार को फैमिली कार के तौर पर प्रेफरेंस नहीं देते, और इसीलिए अब महिंद्रा अपनी आने वाली थार के अपडेटेड वर्जन में इन 3 दरवाजों को 5 दरवाजों में कन्वर्ट कर देगी, और महिंद्रा थार को एक ऑफ रोडिंग कार के साथ साथ फैमिली कार में कन्वर्ट कर देगी। महिंद्रा थार के इसी अपडेटेड वर्जन की लीक फोटो और वीडियो देखकर पाकिस्तानी हैरान हो चुके हैं, और पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि इस प्रकार की कार तो हमें सपनों में भी नसीब नहीं होती। पाकिस्तानी कहते हैं कि अगर महिंद्रा जैसी कंपनियां इन कारों को पाकिस्तान में बेचती तो हम सबसे पहले इस कार को खरीदते। जापानी गाड़ी है? हाँ ये जापान। जी सर, कितने की होगी? यार इसको 75 लाख तो लग जाएगा, 60 लाख है तकरीबन, लगभग 60 लाख में और ऊपर नहीं है ये गाड़ी। आपको क्या लगता है? यार 40 लाख के अंदर है ना। आपको क्या लगता है? 75। आपको क्या लगता है? 80 लाख। गाड़ी कितने की होगी? आपको क्या लगता है? 70 लाख। आपने देखा नहीं, 70 लाख बताई जा रहे हो। जी सर, तो ये किसकी, कौन से मुल्क की गाड़ी है? यार ये कनाडा की लगती है, क्योंकि कनाडा ये जो पहाड़ों में उतरते हैं लोग, इसको ऐसा मोटिवेशन करते हैं, इसको ऐसा गाड़ी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो थाईलैंड में बहुत से पहाड़ है, उसके लिए वो मेरे ख्याल में ये बनवाया गया। सर ये गाड़ी के मैं बताऊं कौन से मुल्क की है? बीजी सर, बिल्कुल। अब मैं बताऊं? जी बताओ सर। हो सकता है आपको हिंट दे देता हूँ, फिर भी थोड़ा कर लो। ये हमारे हमसाय मुल्क की है। हमसाय मुल्क तकरीबन चाइना का होगा। इंडिया, चाइना। अफगानिस्तान? चाइना। इंडिया? चाइना। चाइना, सब चाइना बोल रहे हैं। ये गाड़ी इंडिया की है भाई। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। बिल्कुल, ये गाड़ी इंडिया। और इसकी कीमत आपने कितनी बताई? 75। मैंने 60 लाख बता दिया। 40। 50 लाख मैंने बताया। 80 लाख। 70 लाख। 70, 80, 85 लाख बताइए इस गाड़ी की कीमत सिर्फ और सिर्फ
और सिर्फ 16 लाख रुपए की है। ओ यार तुमने, मैंने बोला कि बगैर कस्टम क्यों होंगे यार इस तरह भाई, कस्टम पेड गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं। अच्छा बात ऐसे है, तो आप ये कोई टाइम नहीं है, ये गाड़ी तकरीबन आपने कहा, मैंने पहले कहा था ये 60 लाख का था, ये मेरे ख्याल से ये कागज वाला है, कस्टम वाला गाड़ी है, बगैर कस्टम वाली तकरीबन ये होगा 10 लाख 8 लाख का। ये गाड़ी मिल सकती है आपको इंशाल्लाह, ये इंडिया की गाड़ी है, वो 16 लाख रुपए की दे रहे, इतनी अच्छी गाड़ी। हमारे इधर यही गाड़ी कितने की है पता? यार मैंने तो आपको 80 लाख रुपए, 80 लाख 90 लाख पे दे रहे, 90 लाख रुपए की गाड़ी है यार उसको। और अब देखते हो वहाँ पर इतनी सस्ती क्यों है, उसको तो अपना मुल्क के अपना सिस्टम फाल है इस वक्त। हमारे मुल्क में क्या, किधर हमारे मुल्क किधर का सस्ता, इंडिया सस्ता, इंडिया ये मेरे ख्याल से इंडिया खुद बना रहा था या क्या, उनकी अपनी कंपनी है महिंद्रा ठा रही है। इधर गाड़ी महंगा है लाहौर में तकरीबन, उधर जाओ बलूचिस्तान में कोटा में गाड़ी महंगा नहीं है, क्योंकि उधर नॉन कस्टम है, उधर हमारे साथ वो बॉर्डर करीब है, जापान और ये ईरान का बॉर्डर, चमन का बॉर्डर ये करीब है, इस वजह से गाड़ी सस्ती मिल जाती है, गाड़ी या मोबाइल वगैरह ये चीज कस्टम नहीं ना। हाँ कस्टम वस्टम नहीं हुआ, पब्लिक लोगों ने ईवीज ले ली हुई है, तो फ्यूचर तो ईवी का, हाँ फ्यूचर ईवी का ही है। और ईवी की क्या खास बात होती है, कोई शोर नहीं लगता, गाड़ी स्टार्ट है लेकिन कोई स्टार्ट पता नहीं चलता, क्योंकि एयर पोल्यूशन भी नहीं, एयर पोल्यूशन नहीं, नॉइस पोल्यूशन नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं। अच्छा फिर आपको स्पीड ऐसी मिलती है ना कि 2-3 सेकंड में 100 टच कर जाते हैं, और ये ईवी थार है ऑफ रोडिंग वाली, तो यार सोचो इसकी। मैं तो कह रहा हूँ अभी ये तो खैर मुझे लगता है कॉन्सेप्ट है, आप लोग जरूर बताइएगा जो आपकी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, लेकिन मैं कहता हूँ ये एक बार अनाउंस होगी ना तो इसकी बुकिंग्स में बुकिंग्स होनी है। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं थार ईवी को, करोड़ में तो होगी शायद, नहीं नहीं इंडिया में इतनी महंगी नहीं कार आती, ये होगी मेरे ख्याल से 40s की रेंज में होगी, बहुत सही है। तो हमारे पे कन्वर्ट कर दो तो करोड़ प्लस चली जाएगी, लेकिन ये है कि वहाँ पे क्योंकि वो बनाते खुद हैं, लेकिन ना मुझे बहुत कमाल की लग रही है, शेप बहुत जबरदस्त है। बाकी ये कि कितने लोगों ने फैसला कर लिया इसको लेने का, कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड एक्साइटमेंट कितने लोगों की, कितनी एक्साइटमेंट है इसके बारे में जरूर बताइएगा। काफी टाइम से कोई गाड़ी की वीडियो भी नहीं देखी थी, तो हमने कहा लेके आते हैं, बहुत टाइम हो गया। आई होप आपको भी मजा आया होगा हमारे साथ देखने में, अभी जब इसकी डिटेल्ड वीडियो कोई आएगी ना वो देखने में ज्यादा मजा आएगा, तो वो भी लेके आएंगे। अभी के लिए दैट्स इट, रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो यू वांट टू डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। कैसी पिक पकड़ी है भाई, थार तबाही है भाई, थार तबाही है, और स्पीड इसकी क्या अलग ही तबाही है यार। महिंद्रा की दो गाड़ियां मैं उनका दीवाना हूँ, एक स्कॉर्पियो और थार, यार ये बात मैं इनके पीछे मरता हूँ, काश ये पाकिस्तान में होती ना, स्कॉर्पियो मैं आपको बता नहीं सकता ये मैंने ली हुई होती है। यार पहले बताओ किसके पास स्कॉर्पियो और किसके पास थार है, और मेरे नजर में मैं तुम्हें बताऊं थार स्कॉर्पियो किधर सबसे ज्यादा है, पंजाब हरियाणा भाई ये सारी जगह वगैरह सारी जगह साइड में सबसे ज्यादा ये थार है भाई। आप लोगों से गैस मैंने एक चीज पूछनी है, जिमी और ये जो है प्राइस थार, इनके प्राइस में क्या डिफरेंस है, कमेंट में लाजमी बताना, और आपके लिहाज से कौन सी फास्ट है। देखो यार ड्राइवर ड्राइवर पर, लेकिन इन्होंने ड्राइवर भी चेंज किया, थार भाई थार फिर भी जीत रही है।